Hello everyone, welcome to my YouTube channel, The English Speaker. Today, we will do the poem Portrait of a Prince by Denis Martindale. The poem is based on the painting of a tiger by Stephen Gayford called Portrait of a Prince. Stephen Gayford is a wildlife painter. और उसने एक पेंटिंग बनाई थी टाइगर के ऊपर जो बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी और उसी पेंटिंग के ऊपर डेनिस मार्टिनडेल ने ये वाली पोइम लिखी है और इस पोइम में डेनिस मार्टिनडेल ने टाइगर की जो फिज़िकल अपीयरेंस है उसके जो फिज़िकल फीचर्स हैं उसकी ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है और इसको टाइटल दिया है पोर्ट्रेट ऑफ अ प्रिंस और प्रिंस यहाँ पर रेफर कर रहा है टाइगर को. सो लेट्स स्टार्ट द पोइम. Stanza 1. Behold the tiger's face up close with all its deep itch lines like charcoal ridges by his nose, how clearly each define. The poet Denis Martin starts the poem with the word behold, or he starts each and every stanza with the word behold. Behold ka meaning hota hai kisi cheez ko observe karna, aur poet hame yahan pe observe karne ke liye keh raha hai kisko, tiger ko. Aur first stanza mein wo tiger ke face ko observe karne ke liye bol raha hai, aur face mein us क्या ऑब्जर्व हो रहा है, डीप इच लाइंस जो उसके फेस के ऊपर जो स्ट्रिप्स होती हैं पूरी बॉडी के ऊपर होती हैं ब्लैक कलर की स्ट्रिप्स जो उसकी एक फिज़िकल अपीयरेंस है उसको इंक्रीज़ करती हैं, उसकी जो फिज़िकल अपीयरेंस में जो ब्यूटी है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं और वो डीप एज्ड है और उनके ऊपर जो वर्क किया गया है जिसने भी टाइगर को बनाया है बहुत ही डिटेल के साथ वर्क उसके ऊपर किया गया है. लाइक चारकोल रिजेस बाय हिज नोज, और वो वाली ब्यूटी किस तरह की है, चारकोल की तरह, जो चारकोल की एक ब्लैक कलर की ब्यूटी होती है वो रिजेस कर रही है बाय हिज नोज. तो वो एक स्ट्रिप्स जो हैं एक नैरो डीप टॉप पैसेज की तरह उसके फेस पे या पूरी बॉडी के ऊपर नज़र आ रही हैं वो स्ट्रिप्स. हाउ क्लियरली ईच डिफाइन, और हर एक स्ट्रिप जो है जो उसके फेशियल ब्यूटी का है वो उसको बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे के साथ डिफाइन किया गया है. Stanza 2. Behold the tiger's ear erect, aware of all that breaths, with mental filter that select the rustling of the leaves. और second stanza में poet हमें observe करने के लिए बोल रहा है tiger के ears को. Ear erect, erect होता है किसी चीज़ का upright position में खड़े होना. तो जैसे tiger के कान बिल्कुल upright position पे खड़े हो जाते हैं जब भी उसके आसपास कोई भी हलचल होती है. Aware of all that breath, जो अभी आसपास हलचल होती है tiger उसके बारे में aware हो जाता है बिल्कुल. विद मेंटल फिल्टर, मेंटल फिल्टर मीन्स कि उसकी सेंस ऑफ हियरिंग, तो यहाँ पे उसी की सेंस ऑफ हियरिंग की बात कर रहा है कि उसकी सेंस ऑफ हियरिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि ही कैन आइडेंटिफाई इवन द रस्टलिंग ऑफ द लीव्स. रस्टलिंग होता है कि एक क्रैकलिंग साउंड ऑफ ड्राई लीव्स, सूखे पत्तों की जो एक हलचल से जो साउंड प्रोड्यूस होता है डैट्स कॉल्ड रस्टलिंग. तो वो टाइगर के बारे में बता रहा है कि उसके कान की सेंस ऑफ हियरिंग इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि वो रस्टलिंग ऑफ लीव्स को भी बहुत ही ईजी से आइडेंटिफाई कर लेता है, उसको मालूम चल जाता है कि ये कौन सी साउंड है. तो उसके सेंस हैं जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है. नेक्स्ट स्टैंजा. बिहोल्ड द टाइगर्स आइज दैट स्टेयर्स एज इफ राइट थ्रोस your soul to challenge you, be wise, be aware, take care, who is in control. And in this stanza Denis Martindale ne hame tigers ki eyes ko observe karne ke liye bol raha hai. टाइगर्स की आइज़ अगर हमें स्टेयर कर रही है, स्टेयर क्या होता है किसी चीज़ को फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए देखना, अगर टाइगर हमें इस तरह से स्टेयर कर रहा है तो उसका क्या मीनिंग है कि वो हमें चैलेंज कर रहा है. चैलेंज क्या कर रहा है कि बी वाइज बी वेयर टेक केयर हु इज़ इन कंट्रोल. वो हमें चैलेंज करके बता रहा है कि हमें क्या होना चाहिए, समझदारी से काम लेना चाहिए, बी वेयर में सावधान रहना चाहिए, और टेक केयर हमें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन किसके कंट्रोल में है. इफ़ सपोज टाइगर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस, अगर टाइगर हमारे सामने है तो हमें ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सिचुएशन किसके कंट्रोल में है. एंड इट इज़ द टाइगर हु ऑलवेज डोमिनेट द सिचुएशन, वो सिचुएशन को डोमिनेट करेगा, हम सबको मालूम है. और नेक्स्ट स्टैंजा. बिहोल्ड द टाइगर्स नोज बिलो, इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट, दो आउट ऑफ साइट ही इज इन द नो, सो वॉच आउट इफ ही एक्ट्स. तो इन दिस स्टैंजा जो पोइट है डेनिस मार्टिन, हम वो हमें टाइगर की नोज़ और बिलो पार्ट के जो उसके सेंस हैं उनके बारे में बता रहा है कि इट टेल्स हिम डिस्टेंट फैक्ट. ये वाली क्या है कि उसे एक अलग ही तरह के फैक्ट्स जो वहाँ पे है नहीं है, जो चीज़ वहाँ पे उसके सामने नहीं है,
आउट ऑफ साइट है, जो उसे दिखाई नहीं दे रही है, बट वो उन्हें फील कर सकता है कि उसकी सेंस इतनी ज़्यादा पावरफुल है टाइगर की। ही इज़ इन द नो, उसे मालूम है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है, क्योंकि वो सेंस कर लेता है, फील कर लेता है, हालांकि वो चीज़ उसे दिखाई नहीं देती। नेक्स्ट, बिहोल्ड द टाइगर्स टाइट लिप्ड माउथ, ही हाइड्स हिज डैगर वेल, हिज स्टॉप्स एट नॉर्थ, हिज ड्रॉप्ड सेट साउथ, वट टेल्स दोज टीथ कुड टेल। सो इन दिस स्टैंजा द पोइट डेनिस मार्टिनडेल हमें ऑब्जर्व करने के लिए बोल रहा है टाइगर के टाइट लिप्ड माउथ को, जो उसने माउथ में के जो लिप को टाइट करके रखा हुआ है, मीन्स उसको बंद करके रखा हुआ है अपने माउथ को, और उसके पीछे उसने क्या हाइड किया हुआ है, ही हाइड्स हिज डैगर्स वेल। डैगर्स होता है कोई भी एक शॉर्ट शार्प नाइफ, कि यहाँ पे शॉर्ट शार्प नाइफ उसके टीथ्स को बोल रहा है। टाइगर के जो टीथ्स हैं वो एक नाइफ की तरह है, तीखे होते हैं बिल्कुल, तो उसको उसने अपने लिप्स के पीछे हाइड कर रखा है। हिज स्टॉप्स एट नॉर्थ, ड्रॉप्स एट साउथ, तो यहाँ पे डायरेक्शंस के साथ कि टॉप नॉर्थ और ड्रॉप्ड साउथ है। व्हाट टेल्स दीज टीथ कुड टेल, और जी वाली जो टीथ्स हैं वो हमें किस तरह की स्टोरीज सुना सकते हैं, किस तरह की स्टोरीज होंगी टीथ की, कि वो एक शिकारी जानवर है और उसके टीथ्स के रिलेटेड क्या स्टोरीज होंगी, शिकार करना, खाना, दूसरे जानवरों को खाना जिसका शिकार किया गया, तो इस तरह की स्टोरीज़ हैं जो उसके माउथ्स के साथ रिलेटेड हैं, और ये चीज़ हम समझ पाएंगे जब हम इसे डीप मैनर के साथ ऑब्जर्व करेंगे। बिहोल्ड द टाइगर्स नेक सो स्टिल एंड पॉइज्ड विद रीगल ग्रेस, पोर्ट्रेइंग हियर द प्रिंस वेल डिस्पाइट द ह्यूमन रेस। सो इन दिस स्टैंजा डेनिस मार्टिनडेल टाइगर के जो नेक की बात कर रहा है, कि अगर हम उसके नेक को क्लोजली ऑब्जर्व करें तो उसकी नेक से हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलती है, कि पॉइज्ड विद रीगल ग्रेस, और उसकी जो नेक है बिल्कुल स्टिल है, और एक ग्रेसफुल वे के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ हमेशा सीधी रहती है। सीधी मीन्स क्योंकि वो किसी के आगे नहीं झुकता, क्यों नहीं, क्योंकि वो टाइगर है, ही इज़ द किंग। पोर्ट्रेइंग हियर द प्रिंस वेल, और जे चीज़ उसकी इच्छा को शो कर रही है, डिस्पाइट द ह्यूमन रेस, चाहे अगर हम अपार्ट के ह्यूमंस हैं, बट फिर भी किंग कौन है जो हमेशा पावरफुल है, द टाइगर, ही इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, इज़ द किंग ऑफ फॉरेस्ट, तो वो कभी किसी के आगे नहीं झुकता, और उसकी नेक बिल्कुल स्टिल और स्ट्रेट रहती है, हमेशा किसी के आगे नहीं झुकते। Behold the tiger's sovereign style, his sense of who he is, his victory, his covering gale, his final parting kiss. So in this stanza, the poet Denis Martindale observe करने के लिए बोल रहा है कि उसके sovereign style को, sovereign की जो सबसे top पे होता है, एक royal style है, जो उसका एक king का style है, उसका tiger का एक ऐसा king royal style है, उसको observe करने के लिए बोल रहा है his sense of who he is, और उसको मालूम है कि वो कौन है, he is the king, टाइगर अच्छी तरह से इस चीज़ को सेंस करता है, उसको मालूम है। His winged way, his covering gale, his parting, his final parting kiss, और उसके जो वेज हैं किस तरह के हैं, विक्ट हैं, विक्ट होता है कि ईवल और अनप्लेजेंट, कि वो शिकार करता है, दूसरों को मारता है। हिज कवरिंग गेल, और उसकी जो सेंस है, इंटेलिजेंसी है, स्मार्टनेस है, वो बहुत ज़्यादा है। और हिज फाइनल पार्टिंग केस, और ये सब चीज़ें क्या हैं, कहीं ना कहीं वो अब ये उसके लिए एक गिफ्ट्स की तरह है, कि उसके जो वेज है, स्टाइल है, और उसके जो स्मार्ट बिहेवियर है, जिस सब उसको एक गिफ्ट दिया गया है जिसने भी इस क्रिएचर को बनाया, और इस क्रिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर है, नो डाउट ही इज़ वेरी डेंजरस, बट एक बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिएचर भी है, जिसकी सेंस और उसका स्टाइल बहुत ही एक सबसे सुप्रीम है, सबसे टॉप पे है। बिहोल्ड द टाइगर ट्रेचर फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रिन, For in a race, I think you will see that tiger always win. So in the last stanza, जो डेनिस मार्टिनडेल है, वो टाइगर के ऊपर हमें क्या कर रहा है, कि हमें कभी भी टाइगर के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। We can't trust on tiger, कि उसका जो एक नेचर है वो एक अनट्रस्टेबल है, जिसकी चीज जिसके ऊपर हम ट्रस्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी। फ्ली फ्रॉम हिज हैंडसम ग्रीन, ग्रीन होता है कि स्माइल, जो एक
उसके फेस के ऊपर अगर स्माइल है, एक हैंडसम स्माइल फेस के ऊपर नजर आ रही है, तो हमें तब क्या करना चाहिए, फ्ली करना चाहिए। फ्ली मीन्स होता है कि रन अवे कर जाना चाहिए, वी कांट ट्रस्ट हिम। हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि वो स्माइल कर रहे हैं, अच्छा बिहेवियर शो कर रहे हैं, तो हमें उसके साथ हम पास जा सकते हैं, ऐसा नहीं। कि हमें हमें करना क्या चाहिए, हमें वहाँ से फ्ली करना चाहिए, रन अवे कर जाना चाहिए। अगर हम उसके साथ कम्पीट करेंगे फॉर इन अ रेस, मीन्स जैसे अगर उसके साथ कम्पीट करेंगे, तो चीज़ हमारे सामने बिल्कुल क्लियर है। आई थिंक यू विल सी कि डैट टाइगर ऑलवेज विन। और कौन हमेशा जीतेगा उस कॉम्पिटिशन में, इट्स द टाइगर हु ऑलवेज विन। सो दिस इज़ द पॉइंट।